दोस्तों नमस्कार, पीडीएस मुंबई में आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों आज आप सीखने वाले हैं पीडीएस मुंबई में ऑटोमेटिक कार किस तरह से चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिक कार कैसे चला जाता है आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज मेरे हाथ में है मारुति का स्विफ्ट डिजायर दोस्तों ऑटोमेटिक कार है, जो कि मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि ऑटोमेटिक कार किस तरह से चलाया जाता है। दोस्तों आज हमारे हाथ में है मारुति का स्विफ्ट डिजायर, जो कि ऑटोमेटिक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑटोमेटिक कार आपको चलाना होता है। देखिए दोस्तों, पहले तो हमें जान लेना है कि ऑटोमेटिक में और मैनुअल गाड़ी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, सब एकदम सेम ही होता है। दोस्तों फ़र्क सिर्फ गियर का होता है और क्लच इसमें नहीं होता है। देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूँ, ये देखिए जो गियर है, बस इसका ही फ़र्क होता है कि मैनुअल गियर जो होता है उसमें आपको गियर बार बार चेंज करना होता है, और ऑटोमेटिक में आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना होता है। जैसा कि देखिए, आप देख रहे हैं कि एन पे है अभी, तो न्यूटन पे गाड़ी खड़ी है। अगर आपको ड्राइविंग करना है तो आपको बस डी पे गाड़ी को डाल देना है। इस तरह से डी पे आप गाड़ी डाल दोगे तो आप कितनी भी स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, आप कहीं भी ड्राइविंग करो, आपको इसी पे ड्राइविंग करना है, डी पे ही। अगर आपको गाड़ी रोक करके रिवर्स लेना है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से ये न्यूटन है। न्यूटन के बाद फिर आपको इस तरह से राइट साइड में प्रेस करना है, फिर सामने की तरफ पुश करना है, तो ये रिवर्स गियर लग जाता है। दोस्तों गियर का बस इसी तरह से आपको गियर चेंज करना है और बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। मैनुअल गाड़ी में गियर चेंज करना होता है बार बार, और इस गाड़ी में बस एक बार डी पे डाल देना है, ड्राइविंग पे आपको गाड़ी चलाना है। आपको बस कंट्रोल इसको किस तरह से करना है, जैसा कि आप देख रहे हो कि नीचे देखिए, यहाँ पे मैनुअल कार में क्या होता है, क्लच रहता है, और ऑटोमेटिक कार में क्लच यहाँ पे नहीं रहता है। बस आपको ये ब्रेक है और ये एक्सलेटर है रेस। दोस्तों आपको ब्रेक और एक्सलेटर पे ही गाड़ी को कंट्रोल करना होता है। राइट साइड का जो आपका पैर होता है, राइट साइड के पैर से ही आपको दोनों कंट्रोल करना पड़ता है, ब्रेक और एक्सलेटर, क्योंकि लेफ़्ट साइड का जब क्लच नहीं होता तो लेफ़्ट साइड के पैर का कुछ भी इसमें काम नहीं होता है, सिर्फ राइट से ही कंट्रोल करना पड़ता है। देखिए तो जब आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और रुक भी जाएगी। जब आपको गाड़ी आगे लेना है तो बस एक्सलेटर को ऐसा प्रेस करना है, गाड़ी आगे की तरफ चलेगी। देखिए दोस्तों अब आपको कैसे चलाना है वो मैं आपको गाड़ी चला के दिखा देता हूँ। देखिए अगर गाड़ी आपकी जैसे कि देखिए गियर में खड़ी है, अगर आपकी गाड़ी गियर में खड़ी है, अगर गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अगर आपका क्लच पे पैर, ब्रेक पे पैर नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। देखिए तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको गाड़ी न्यूटन में कर देना है, ये देखिए न्यूटन में गाड़ी आपको कर देना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि जो ये ब्रेक होता है तो ब्रेक को पहले दबा लेना है। अगर आप ब्रेक पे पैर नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिक कार स्टार्ट नहीं होती है। देखिए जैसे ब्रेक पे पैर नहीं है, और मैं चाबी दूंगा तो देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोई भी ऑटोमेटिक कार है, ब्रेक पे पैर रखना ही पड़ता है। ब्रेक पे पैर रखने के बाद फिर आप जब चाबी को ऐसा घुमाओगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये गाड़ी अब स्टार्ट हो गई है। अब इसको आगे किस तरह से बढ़ाना है, अब चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो हैंड ब्रेक है इसको अनलॉक कर देना है, ये भी लॉक है ऐसा, इसको प्रेस करके अंदर की तरफ अनलॉक कर देना है। और ये जो गियर है आपको डी पे डाल देना है। डी पे डालने के बाद आपको गियर बार बार कुछ भी नहीं करना है, गियर को टच भी नहीं करना है, आप गियर को एकदम छोड़ दो बिंदास। उसके बाद अभी देखिए मेरा पैर ब्रेक के ऊपर है, तो अब करना क्या दोस्तों कि ब्रेक पर से बस पैर को हटा लेना है, गाड़ी अपने आप आगे की तरफ बढ़ेगी। जैसा कि आप देखिए मैं ब्रेक पर से पैर हटा रहा हूँ अभी, तो गाड़ी देखिए आगे की तरफ बढ़ रही है। देखिए जो नॉर्मल स्पीड होता है कम से कम 10 या 15 की स्पीड, आपको एक्सलेटर नहीं देना है, फिर भी 10 या 5 की स्पीड ऑटोमेटिक चलती है आराम से एकदम। देखिए मैं अभी एक्सलेटर नहीं दे रहा हूँ तो एकदम आराम से गाड़ी चल रही है स्लो स्लो। देखिए इतना स्पीड आपकी रहेगी, कितना है, कम से कम 10 की स्पीड है, ऑटोमेटिक चलेगी बिना एक्सलेटर दिए। अगर आपको रेस करना है, गाड़ी रेस में लेना है, तो आपको एक्सलेटर
देना पड़ेगा। देखिए इस तरह से आपको एक्सलेटर देना पड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी स्पीड लेती है। देखिए अब रेस करोगे, एक्सलेटर को रेस करोगे तो आपकी गाड़ी एकदम स्पीड में आगे की तरफ बढ़ेगी। इसी प्रकार से दोस्तों ऑटोमेटिक कार चलाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।